दिस इज डे वन फॉर आर फुकेट ट्रिप. तो हम हैं अभी कैरोंग बीच पे, जो कि हमारे होटल से वॉकिंग ही है. तो इनका प्लान था यार नहाने वाने का, तो हमने कहा चलो चलते हैं और यहाँ पे इंजॉय करते हैं. हम दिखाते बीच भी बहुत क्लीन है, पूरा ब्लू बीच है, बहुत मज़ा आने वाला है. ओके. होटल के पास ही ये स्कूटी हमने 300 थाई भात में रेंट की. काटा बीच, और आप देख सकते हो यहाँ पे भी शॉपिंग के काफ़ी ऑप्शंस हैं. हमारे बीच के पास भी थे काफ़ी ऑप्शंस. अभी हम कुछ फूड ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वेज फूड ढूंढना इज वेरी चैलेंजिंग. लेट्स सी कुछ मिलता है या नहीं. तो वहाँ पे हमें कोई वेज ऑप्शन नहीं मिला, तो बस हमने जूस पिया और निकल गए बीच के लिए. और बीच काफ़ी सुंदर था, जैसे कि आप देख ही सकते हो. सुंदर होने के साथ साथ ये बीच काफ़ी क्राउडेड था. इतना क्राउड था वहाँ पे, मॉर्निंग का टाइम था ये, और ये वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड था. बीच से थोड़ा आगे जाते ही यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा व्यू पॉइंट था, जिसे कहते हैं कैरन व्यू पॉइंट, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल था. थोड़ा ऊपर जाके था और ऊपर से व्यू बहुत ही प्यारा था. हमने यहाँ पे थोड़ी देर रिलैक्स भी किया और इस व्यू का फुल एंजॉय किया. अगर आप फुकेट डे टूर ले रहे हो तो ये पॉइंट्स आप स्टेप बाय स्टेप कवर्स कर सकते हो. ये एक लाइन में ही हैं, तो हमने ऐसे ही प्लान किया था. तो आप नोट कर सकते हो कहीं, स्टेप बाय स्टेप इनको ज़रूर फॉलो करें. हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं व्यू पॉइंट पे, और पीछे मेरे व्यू पॉइंट है, काफ़ी अच्छा है. मैंने कैमरे से शूट किया है तो मैं उसकी वीडियो डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा. काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे कोई एंट्री फीस भी नहीं है, आप आ सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो. और रास्ते में हमें एलिफेंट सफारी भी पड़ी थी, मतलब आई थिंक एलिफेंट सफारी है, वो आप आके वो भी इंजॉय कर सकते हो. बीच के बाद हम जाएंगे एक इंडियन रेस्टोरेंट पे लंच करने. लंच क्या, ब्रंच ही हो जाएगा हमारा, क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए कुछ नहीं मिला हमको आज, तो हमने बस जूस पिया था. तो अभी यहाँ से जाएंगे इंडियन रेस्टोरेंट पे ब्रंच करेंगे, और उसके बाद जाएंगे हम आई थिंक विंडशील्ड समथिंग जगह है, विंड मिल जगह है, हम वहाँ पे जाएंगे और वो भी आपको दिखाएंगे. तो स्टे ट्यून्ड विद अस. रेस्टोरेंट से पहले हमें वे विंड मिल व्यू पॉइंट मिल गया था, तो हमने पहले इसको इन्जॉय किया. ये काफ़ी ऊपर जाके था, सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे, आप उससे ऊपर जाइए और इस व्यू को इन्जॉय करिए. काफ़ी इंटरेस्टिंग था, आप वहाँ जाके इसको भी इन्जॉय कर सकते हो. एंट्री फीस इसकी भी कुछ नहीं है. तो व्यू पॉइंट के बाद हम निकल लिए इंडियन रेस्टोरेंट की तलाश में, जो कि हमारे लिए ढूंढना बहुत ज़रूरी था. मेरे को बहुत भूख लग रही थी, आई एम अ वेजिटेरियन, और वहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत कम मिलेंगे आपको. और फाइनली हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल ही गया, जो कि था हाईवे करी. यहाँ पे इंडियन एंड थाई कुजीन दोनों ही अवेलेबल है, ऐसी सीटिंग अवेलेबल है. और वहाँ पे जाके अगर आपको इंडियन फूड मिल जाता है, खासकर एक वेजिटेरियन को, तो उसके लिए तो जन्नत होती है. वो फूड भी ठीक ठाक था. उसके बाद हम पहुंचे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि था टाइगर पार्क. यहाँ पे आप इस प्यारे से बेबी के साथ फ़ोटो क्लिक करा सकते हो. इसका प्राइस होता है 1000 थाई बात, या फिर बड़े टाइगर या मीडियम टाइगर के साथ भी पिक क्लिक करा सकते हो. ये प्राइसेस स्टार्ट होते हैं आई थिंक 600 थाई बात से, और सबसे जो एक्सपेंसिव होता है वो यही बेबी टाइगर है. मतलब इसके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए तो आपको सबसे ज़्यादा प्राइस देना पड़ता है. हमने पिक क्लिक कराई थी ये लार्ज टाइगर के साथ, जिसकी हमें कॉस्ट पड़ी थी 900 थाई भात. और ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है. ये टाइगर किंगडम में भी होता है, बट आप चाहो तो ये थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है अगर आप टाइगर पार्क में जाके टाइगर के साथ पिक क्लिक कराते हो. और काफ़ी अच्छी पिक्स हमारी आई थी, हमने इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी डाली है, तो आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो. यहाँ पे टाइगर के साथ पिक क्लिक कराने के अलावा आप उसे टच कर सकते हो, उसे मसाज दे सकते हो. और टाइगर को मसाज अगर आपने हल्के से दी तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो आपको बहुत अच्छे से उसको मसाज करनी है. और देखिए वो ऐसे लेट जाता है, कहता है आप उसको मसाज करो, तो ये काफ़ी अलग एक्सपीरियंस होता है. तो अगर आप फुकेट जा रहे हो तो ये एक्सपीरियंस लेना तो मस्ट है. सो यहाँ पे पार्किंग भी अवेलेबल है, तो उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. और यहाँ पे घूमने के लिए आधे से एक घंटा आपके लिए सफिशियंट होगा. टाइगर पार्क के बाद नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन थी बिग बुद्धा. अगर आप फुकेट आए हो तो बिग बुद्धा एक मस्ट विजिट प्लेस है, तो यहाँ पे भी ज़रूर आए और इसको भी इंजॉय करें. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा यहाँ पे, होपफुली आपका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे.
वी रीच्ड बिग बुद्धा और यहाँ पे है पार्किंग कार की और वहाँ से लिखा है मोटर बाइक, वहाँ से अंदर जाके वहाँ पे बाइक की पार्किंग है, प्रॉपर पार्किंग है, तो आप पार्किंग में ही पार्क कर सकते हैं। एंड चलिए अब चलते हैं बिग बुद्धा। एज यू कैन सी यहाँ की एंट्री फ्री है और ये वे है अंदर जाने का, तो चलिए हमारे साथ देखिए आप बिग बुद्धा। यहाँ पे आते हो तो आपको ड्रेस जो है वो अप्रोप्रिएट पहननी होती है, आपका टमी वगैरह नहीं दिखना चाहिए, शॉर्ट्स वगैरह नहीं होने चाहिए, तो मैंने कहा फुल पहना है बाई चांस और मैंने ये जैकेट लिया हुआ है सुबह से टैनिंग बचाने के लिए, और ये मेरा अभी भी काम आ गया, मैंने इसके बटन बंद कर लिए तो मेरा कुछ भी नहीं दिख रहा, एंड अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड। अब हम जा रहे हैं पैटोंग बीच, बिग बुद्धा हमारा हो गया है, वहाँ जाके सनसेट देखेंगे। तो आइसक्रीम खा लो आप लोग। हम पहुंच गए थे पटोंग बीच पे, पर तब तक के लिए बहुत रात हो चुकी थी और हमारा सनसेट मिस हो गया था, तो हमने एंजॉय की वहाँ की नाइट लाइफ। पटोंग बीच पे ही बहुत सारे आपको टूरिस्ट वाले मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपना नेक्स्ट डे के लिए फीफी टूर या फिर आप फोर आइलैंड टूर जो भी आप करना चाहते हो, सेवन आइलैंड टूर, वो सब आप बुक कर सकते हो। हमने बुक किया था फोर आइलैंड टूर, जिसकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी आपके पास, तो आप भी चाहो तो वहाँ से ऑफलाइन बुकिंग कर सकते हो या ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आई सजेस्ट कि आप ऑफलाइन बुकिंग करो, क्योंकि वहाँ पे अगर ऑफ सीज़न होता है तो शायद बार्गेनिंग भी कर लेते हैं। हम तो ऑन सीज़न गए थे, न्यू ईयर पे गए थे, तो उन्होंने हमें वही प्राइस दिया जो कि लिखा हुआ था। तो अगर आप प्राइस डिटेल्स वगैरह सब कुछ जानना चाहते हो कि फोर आइलैंड टूर का क्या प्राइस होता है, क्या क्या उसमें कवर करते हैं, कैसा एक्सपीरियंस होता है, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट ज़रूर कीजिएगा, जल्दी ही आएगी, आई थिंक नेक्स्ट वीक आ जाएगी उसकी भी वीडियो, तो आपको उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप पार्टी पर्सन हो तो आई सजेस्ट कि आप, मतलब मैं तो आपको बोलूँगी आप ज़रूर से ज़रूर जाइए पटोंग, वहाँ पे आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ही हैपनिंग प्लेस है, सारे बार सारे रेस्टोरेंट वहाँ पे हैं, वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं जहाँ पे आप डिनर कर सकते हो। हमने पंजाबी ढाबे पे डिनर किया था जो कि बहुत ही अमेजिंग था, थाईलैंड का बेस्ट फूड हमने वहीं नहीं खाया था और वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही अमेजिंग था। आप इंजॉय कीजिए पटोंग बीच की नाइट लाइफ, जिसको बांगर रोटी कहते हैं, तो आप वो इंजॉय कीजिए। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और फुके जाने की जो भी प्लानिंग कर रहा है उसको इसके साथ उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।